यशवा वो हर कोई साल वो कोई ना साल नहीं गुजर रहा है जिस साल में हमें यश कनाल से कोई ना कोई डेड बॉडी निकालनी पड़ती है। एक दो तीन चार शराध गए रोप कर डायरेक्ट शराध दिन वोट दिन कनाल मे सुबह 9 बजे कॉल तो कुछ लड़कों से फोर वायस पे कनाल मे तो तुम फोन तो चप्पल कंक्रीटस पे तो गई फोरी तौर पर तो तथा मगर आवर पत् लग लग भग साढ़न चौन तक शट डाउन तक फोर वायस कर लगान वह टाइम लेवल ज्यादा सन्दे आव सी फुट आव सन्दा फोर वायस पे वाता वाता पता एच डी एफ टीम त आव पता ये लोकल टीम रेस्क्यू टीम तेम लाइन मैन तेज तम ते बिचे पत् 5 बजे वे बोन तौर लगे तुम फुंड वुंड मस मस आए पे डेड बॉडी लग भग लग सो 9 बजे पे 5 बजे तेज वन कुछ कल आबस मे गुत अस 9 बजे कॉल तो खे तौर बहुत क्या गवर्नमेंटस एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबलस में गुजारिश अत गि फैंसी इन 20 फुट दिन तो तमें सत सो ठीक नाम शराध गए रोप कर डायरेक्ट दिन शराध दिन वोट दिन कनाल मे अच्छे जरूरी फैंसी करें 20 फुट लग भग एडमिशन गुजारिश कर वीडियोस एडमिनिस्ट्रेटर्स अत दू फैंसी 20 फुट तमो कोर नहीं आज क्या गुजारिश अत दू फैंसी 20 फुट अत गए ठीक अप तो हमें यहाँ सुबह 9 बजे कॉल आई है कि पावर कनाल वहाँ फोर वे पे कोई बंदा वहाँ नाले में हुआ है कनाल में, तो हम तुरंत चले गए हैं रेस्क्यू टीम कंगन की तरफ से। तो हम वहाँ 9:30 पहुँचे हैं, 9:30 से लेकर 5:30 तक हमने बहुत सारी कोशिश की तो आखिरकार 5:30 बजे उस डेड बॉडी को निकाला है जो कि कंगन का ही रहने वाला है। उसका नाम है शारिक अहमद लोन, सनाब नज़ीर अहमद लोन, वो नियर अबाउट 25 साल का है, देर है उसका एक बच्चा भी। अच्छा, तो यशवा वो हर कोई साल वो कोई ना साल नहीं गुजर रहा है जिस साल में हमें यश कनाल से कोई ना कोई डेड बॉडी निकालनी पड़ती है। एक दो तीन चार पाँच से कम किसी साल भी हम यश कनाल से डेड बॉडी नहीं निकालते। हम हर बार भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि कम से कम अगर 20 फुट नहीं 10 फुट नहीं कम से कम 6-7 फुट अगर उसकी फेंसिंग हो जाए, तो कम से कम अगर कोई छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाए तो कम से कम दूर से भी उस पर किसी की नज़र पड़ जाए तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो सकती है। मगर वो बिना फेंसिंग है कोई भी आ सकता है और उसमें छलांग भी लगा सकता है या पैर फिसल जाता है खुद ब खुद। तो हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि कम से कम 5-6 फुट उसमें फेंसिंग दी जाए ताकि लोगों की जानें बच जाए। अभी तो ये तो पुलिस का मामला है, ये तो कल 4 बजे घर से निकला है, हमें 9 बजे सुबह कॉल आई है, हम रेस्क्यू टीम की तरफ से निकल पड़े 9 बजे, 5:30 बजे निकाली है। अब ये पुलिस का काम है, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते।